Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. तो दोस्तों आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों फिल्म केसरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म केसरी जो कि 21 मार्च के दिन रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म के अंदर आप सभी को 21 से 10,000 अफगान सैनिकों से लड़ते नज़र आते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर एक सिख का किरदार निभा रहे हैं। वो उन 21 सिख में से होने वाले हैं जो कि उन 10,000 अफगानियों से लड़ते नजर आएंगे। साथ आपको बता दें, इसके अंदर अक्षय कुमार का लुक बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के पहले दिन के कलेक्शन और साथ ही साथ लाइफ टाइम कलेक्शन के रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 21 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही शानदार है। इस फिल्म को एक रियल स्टोरी पे आधारित बनाया जाएगा और साथ ही साथ इस फिल्म को देखने के लिए फैंस का भी इंतज़ार खूब बेसब्री से था। तो पहले दिन की अगर कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म पहले दिन में बहुत ज़्यादा शानदार कलेक्शन शायद करके दिखाने वाली है। अच्छा कलेक्शन होने की एक खास बात ये भी हो सकती है क्योंकि इस फिल्म को थर्सडे के दिन और साथ ही साथ होली के दिन रिलीज़ किया जाने वाला है। इस फिल्म को इस होली के दिन का अच्छा फ़ायदा मिलते हुए नज़र आ रहा है कि इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 30 से 35 करोड़ रुपए हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 30 से 35 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन आका जा सकता है। जहाँ होली होने की वजह से इस फिल्म को अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म की स्टोरी लाइन भी बहुत ही शानदार है और साथ ही साथ इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत शानदार है। इस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छे सीन दर्शाए गए हैं। जहाँ आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा शानदार इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी और स्टोरी लाइन देखी गई। और साथ ही आपको बता दें, इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली है। वो भी बहुत ज्यादा अच्छी इस फिल्म के अंदर नजर आ रही है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट ये करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितना ज्यादा अच्छा कलेक्शन करने वाली है। और साथ आपको बता दें, इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इसी के साथ आंका भी ये जा सकता है। अगर ये फिल्म अच्छे वर्ड ऑफ माउथ और अच्छे क्रिटिक्स के रिव्यूज मिले तो इस फिल्म का कलेक्शन 150 से 200 करोड़ रुपए तो आराम से पार कर सकती है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स।